वेलकम टू द ऑल गेम चैनल। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एग्जाम बूस्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस जो हमने क्विज के अंदर डिस्कस किए थे। वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको सॉल्यूशन के थ्रू इस एग्जाम बूस्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हम इस एग्जाम बूस्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोग कंसंट्रेशन से और पीसफुली समझना कि इसको किस प्रकार से अप्रोच लगाने की जरूरत थी और किस प्रकार से टेकली उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो दोनों पैटर्न हम देखेंगे कि क्या उसमें ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था जिससे हम उसकी पहचान कर सकते थे, इजीली अपन ऑप्शन काट के आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसको देखिए। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज। तो आपसे क्या पूछी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछी है, किसमें, परसेंटेज वाली फॉर्म में पूछी है। इसका मतलब आपको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है। अब मुद्दा यह है कि आपको पहचानना है कि ये हीट इंजन जो है, यह आपका हीट इंजन कार्नोट इंजन है या फिर आपका रेफ्रिजरेटर की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक ट्रिक बता देता हूं, उसको समझना कि यदि आपको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको यहां पर केवल और केवल ध्यान देना क्या है कि आपको रेफ्रिजरेटर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा इसको, जो कि कार्नोट इंजन के अपोजिट वर्क करता है। और यदि मैं कहूं लो से हाई टेम्परेचर की लिमिट आपको दे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या समझना है कि ये जो क्वेश्चन है आपको कार्नोट इंजन वाले फॉर्मूले से करना है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहले आप देखो ध्यान से समझिएगा इसकी एक्सप्रेशन क्या कहता हूं। यदि इसको मैं सोल्व करूं और यदि हम जानते हैं कि जो ईटा है अपना एफिशिएंसी निकालना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी तो कितनी होती है, 100 होती है, जो कि हम बना ही नहीं सकते। 100 एफिशिएंसी का कोई भी इंजन यहां पर डिजाइन नहीं कर सकते। तो क्या करना है, तो देखो आपको मैं एक चीज बताऊं कि ईटा इज इक्वल टू जो कि एफिशिएंसी हमारी वो क्या होती है, वो होती है आपकी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ये किसका है, अपना रेफ्रिजरेटर का। जब मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पर 100 से 25 डिग्री सेल्सियस, इट मींस यहां पर आपका कौन सा वाला हो गया, रेफ्रिजरेटर वाला हीट इंजन काम में आ गया। यदि मैं यहां पर कार्नोट इंजन की बात करता तो ये फॉर्मूला यहां से रिवर्स हो जाता, T1 ऊपर T2 नीचे, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2, ये होता है आपका कार्नोट इंजन के अंदर, और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 आपका हो जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो यहां तक मेरी बात क्लियर समझ में आ गई, क्योंकि आपको पहचान कैसे करनी है क्वेश्चन में देख करके टेम्परेचर की वैल्यू से। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। आपको क्या करना है, देखो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो आपको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको T1 कितना है आपका 100, तो 100 को यदि मैं 273 में एड करूंगा तो 373 डिग्री सेल्सियस कैलोरी, ये हो गया आपका केल्विन में, केल्विन में हो गया। चलिए अब T2 की बात करो, तो T2 कितना दे रखा है आपका 25, तो 25 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 298 केल्विन। क्लियर है, तो दोनों टेम्परेचर लिमिट आ गई, कुछ नहीं करना, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। तो नीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 298 डिवाइडेड बाय 373। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपको पहचान के लिए कितना होगा, तो 298 डिवाइडेड बाय 373 करेंगे तो आप लोग देखना आंसर कितना आएगा, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा आंसर, देखो 298 डिवाइडेड बाय 373 करेंगे तो कैलकुलेशन में आपका आ गया 0.79। क्लियर है, तो इसका आपका कैलकुलेशन करने के बाद कितना निकल के आता है, आप देखोगे यहां पर तो आपका निकल के आएगा 0.10। यह आपकी आ गई ईटा की वैल्यू 0.2010। क्लियर है यहां तक। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 20.10%। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो जाती है एफिशिएंसी। क्लियर है, ये क्या हो गई आपकी एफिशिएंसी। तो इस हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी कितनी कैलकुलेट होकर के आ रही है, 20.10%। इट मींस आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो आप लोगों को क्विज में जब एक क्वेश्चन दिया था, आपको इस प्रकार से पहचान करनी आनी चाहिए पहले क्वेश्चन की, क्योंकि कंपटीशन के पैटर्न से अपने को सोल्व करना है। तो आपको यह ध्यान देना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करनी थी, किस प्रकार से सोल्व करना था। क्लियर है यहां तक। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू।
क्वेश्चन नंबर टू क्या था देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपसे पूछा जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सीएसआईआर नेट में। देखना, द एंट्रोपी चेंज व्हेन टू मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस रिवर्सिबली एंड आइसोकोरिकली। आपको रिवर्सिबली आइसोकोरिकली के रूप में पूछा है, क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है एंट्रोपी चेंज कितने मोल के लिए, 2 मोल एटॉमिक गैस के लिए। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो देखो ध्यान से समझना आपको क्या चीज इंपोर्टेंट है यहां पर, कि आपको इस फॉर्मेट में पूछिए तो इसका मतलब आपको एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला इस फॉर्मेट में लेना है, एलएन की फॉर्मेट में, पहली बात, क्योंकि ऑप्शन आपके एलएन की फॉर्मेट में डिजाइन। सेकंड थिंग, आपको रिवर्सिबल और आइसोकोरिकल भी बोला है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको क्या क्या चीज तो गिवन है, आप सबसे पहले उसको नोट डाउन करें। तो देखिए आपको यहां पर एन गिवन है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 मोल्स, यहां तक क्लियर। सेकंड आपको टेम्परेचर गिवन है, T1 और T2 आपको गिवन है, तो T1 कितना गिवन है आपको, 200 डिग्री सेल्सियस, तो T1 200 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 200 प्लस 273 इज इक्वल टू 473 केल्विन। T2 कितना गिवन है आपको, 300, तो 300 प्लस 273 इज इक्वल टू 5730 केल्विन। ये तो आपके डाटा गिवन है आपको। अब रिवर्सिबली आइसोक्रोनिकली के लिए फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज का क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोगों को आपको बता दूं कि आपका जो रिवर्सिबली और आइसोक्रोनिकली के लिए जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एन सी वी एल एन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, एन सी वी एल एन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन। क्लियर है यहां तक? देखो ध्यान से समझिएगा, ये चीज गिवन है, आपके पास T2 भी है, T1 भी है, N भी है, लेकिन आपके पास में क्या नहीं है यहां पर, CV का डाटा नहीं है। CV का डाटा आपके पास यहां पर नहीं है, यहां मतलब आपको CV कहीं कहीं से आपको हिंट दे रखी होगी CV की, और CV की क्या हिंट दी गई है उसको पहचानो, और उसके लिए दी गई है आपको आइडियल मोनो एटोमिक गैस। क्या दिया है आपको, आइडियल मोनो एटोमिक गैस, इट मीन्स आपको मोनो एटोमिक गैस कंसिडर करनी है, तो मोनो एटोमिक गैस के लिए आपको पता है कि सीपी और सीवी का वैल्यू क्या होता है, आपको ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में याद होना चाहिए कि सीपी और सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 R, तो आपकी हो जाएगी सीवी की वैल्यू किसके लिए, मोनो एटोमिक गैस के लिए, और सीपी की वैल्यू होती है आपकी 5/2 R। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है, यहां तक मेरी बात क्लियर आ गई? तो अपने को किससे मतलब है, केवल सीवी के डाटा से, तो सीवी के डाटा से मतलब है, तो आपके फॉर्मूले में सब आपको वैल्यू यहां पर मिल चुकी है, तो आप अभी इजीली फाइंड कर सकते हैं, एन की जगह आपने रखा 2, सीवी की जगह हम रखेंगे 3/2 × R, एल एन टी टू कितना है 573 डिवाइडेड बाई टी वन कितना है 473। तो ये आपका हो गया कंप्लीट एक्सप्रेशन, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 R ln 573 / 473। ये आपका क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज निकल के आ गया। क्या निकल के आया, एंट्रोपी चेंज। आप ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा है यहां पर। तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है, किसके लिए, रिवर्सिबली आइसोक्रोनिकली 2 मोल ऑफ आइडियल एटॉमिक गैस के लिए एंट्रोपी चेंज का। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, किस प्रकार से आपको इजीली सोल्व करना वो आप करना चाहिए, बहुत ही आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, केवल सिंपल आपको देखना है पूछा क्या। थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, केवल आपको एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि आपका वे ऑफ जो पैटर्न पूछा है एग्जाम में वो किस पैटर्न से पूछा है, उसकी ट्रिक आपको आती है क्या, क्या आपको उसका फॉर्मूला याद है क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट। यदि फॉर्मूला पता है तो आप इजीली आप ये कर जाएंगे। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्यों था, किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पांचों के पांचों सीरीज के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने वहां पर आपको क्विज के थ्रू वहां पर पूछा, ताकि एक बार आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि आप वहां पर क्या कंसेप्ट लगा पा रहे हैं।
इसलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री पर। बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत 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 शानदार सवाल है, बहुत ज्यादा आपने इसके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें यहां पर समझेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द डायटोमिक आइडियल गैस इनिशियली 8273 केल्विन इज गिवन 100 कैलोरी हीट ड्यू टू विच सिस्टम डिड 209 जूल वर्क। मोलर हीट कैपेसिटी CM ऑफ गैस फॉर द प्रोसेस इज, आपको क्या पूछिए, मोलर हीट कैपेसिटी CM की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको का वर्क दे रखा है और आपको यहां पर हीट दे रखा है, इनको यूज में लेते हुए आपको फाइंड आउट करना है मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, क्या इसकी अप्रोच थी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको पता लग रहा है कि जो आपका क्यू है, जो आपका क्यू है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब हो रहा है क्यू तो आपका किसमें आएगा, ये किसमें आएगा आपका, ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव में आएगा। किसमें आएगा आपका, ये पॉजिटिव में आएगा। इट मीन्स यदि मैं आपको कहूं कि क्यू आपका जो आएगा वो पॉजिटिव में लेंगे तो ये कितना दे रखा है आपको, 100 कैलोरी, क्लियर है, 100 कैलोरी दे रखी है अपने को डाटा यहां पर। ये भी जूल में, तो इसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 को यदि मैं 418.4 से मल्टीप्लाई करूं, 4.184 से मल्टीप्लाई करूं 100 को, तो ये डाटा मुझे किसमें मिल जाएगा आपका, जूल में, और 418.4 जूल आपका क्या आ गया यहां पर, ये हीट आपकी निकल के आ गई। ये आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बेसिक कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, बाकी हम वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से हम यहां पर यूनिट कन्वर्जन करते हैं। सेकेंड आपको गिवन है यहां पर वर्क, W आपको गिवन है, लेकिन आपको पहचानना है कि W कौन सा है। तो देखो, ड्यू टू विच सिस्टम डिड, इसका मतलब बाय द सिस्टम काम हो रहा है, यहां पर बाय द सिस्टम काम हो रहा है, तो आपका ये जो वर्क है, कार्य है, ये आपका आएगा नेगेटिव में। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है कि बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव में वर्क आता है, ऑन द सिस्टम होता है तो आपका पॉजिटिव में वर्क आता है। हीट एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, हीट यदि रिमूव हो रही है तो आपके वहां पर नेगेटिव में आएगी। ये चीज आपको, ये क्या है कि साइन नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, साइन नोटेशन का ही गेम है यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो वही सेम डाटा के साथ में पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में होगा, तो आपको पहचानना है कि क्या इसका साइन नोटेशन बताता है। साइन नोटेशन से पता लगा कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो आपकी पॉजिटिव में ले ली बिल्कुल, और वर्क आपका बाय द सिस्टम हो रहा है तो आपका यहां पर नेगेटिव में आ गया। चलिए यहां तक हमने डिस्कस किया, अब हमारा फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फ्लोट के अकॉर्डिंग डिस्कस करूं मैं, और फ्लोट क्या कहता है आपको कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो होती है आपकी, जिसको मैं डेल्टा ई भी कह सकता हूं, ये क्या होती है आपकी, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या होता है आपका, Q प्लस डब्ल्यू। इट मीन्स मैं कह सकता हूं आपका कि 418.4 प्लस माइनस 209, तो आपका कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 209.4 जूल। ये आपका क्या निकल के आ गया, डेल्टा U निकल के आ गया आप लोगों के सामने। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, तो मुझे आप कमेंट करते बताते रहिएगा। नेक्स्ट ही का डिस्कस कर, देखिए एकदम लिंक करेंगे एक एक क्वेश्चन को, जो डाटा गया उसी से हम इसको इस्तेमाल करते हुए सोल्व करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अब एक चीज आपके सामने मैं डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि कौन सी गैस बोली गई है आपको, डाई एटोमिक आइडियल गैस बोली है। क्या बोली है आपको, डाई एटोमिक आइडियल गैस। तो डाई एटोमिक आइडियल गैस के लिए आपको पता है कि सीवी और सीपी की वैल्यू क्या होती है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था मोनो एटॉमिक गैस, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको पता है सीवी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 3/2R, और सीपी की वैल्यू क्या आती, 5/2R। तो वहीं से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू आपके डायटोमिक गैस के लिए। तो डायटोमिक गैस के लिए मैं आपको बता दूं, जो वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए सीपी की थी वो वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, सीवी की बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक गैस के लिए
सीबी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/2 R। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। क्या समझेगा, हम जानते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका सीवी डेल्टा टी। डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है सीवी डेल्टा टी। क्लियर है, सीवी की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा यू की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो डेल्टा टी आपके सामने आ जाएगा। और डेल्टा टी आपके सामने क्या निकल के आएगा कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 209.4 डिवाइडेड बाई 5 R × 2। 5/2 था, 2 ऊपर चला जाएगा, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो आपके सामने डेल्टा टी निकल के आ गया साहब ये वाली वैल्यू। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुद्दा क्या है कि आपसे पूछा है यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी। क्या पूछा है आपसे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको ये चीज यहां पर मैं साफ कर रहा हूं क्योंकि आपने ये काम में ले लिया है। अब काम की चीज देखते रहना, अब काम की चीज देखना साहब। चलिए अब काम की चीज क्या है उसको देखो। अब हमको डिस्कस करना क्या है यहां पर, मैंने क्या कहा आपको, मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हीट एक्सचेंज जो होता है आपका, हीट एक्सचेंज किसके इक्वल होता है वो आपको मैं बता दूं। हीट एक्सचेंज होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज। क्लियर है, नो डाउट, क्योंकि इक्वल हम इसको कर देते हैं। चलिए कोई इसी वाली बात नहीं है। मुद्दा क्या है कि आपको सीएम फाइंड आउट करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो अब क्या दिक्कत है, कुछ वाली बात नहीं है। आपको पूछा क्या है, सीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है, हीट एक्सचेंज का मतलब क्यों, ये हो गया हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। हीट एक्सचेंज कितना दिया गया आपको, क्यू की वैल्यू कितनी थी, वो आपकी हीट एक्सचेंज की वैल्यू है। तो वो वैल्यू थी आपकी 418.4, ये आपकी हुई हीट एक्सचेंज डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है आपका, ये रहा, ये वैल्यू आपका डेल्टा टी है। तो ये वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा, 209.4 × 2 मल्टीप्लाई बाय 5 R। क्या चल जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कुछ भी हो आप कमेंट करके बताते रहिए, एक एक स्टेप को समझते चलिए। अब यहां पर क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल आपको पता है कि ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो रही है, बराबर कैंसिल आउट हो रही है, और आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है सीएम, वो सीएम कितना निकल के आ रहा है आपका यहां पर, केवल और केवल 5 R फाइंड आउट होकर के आ रहा है। ये जो वैल्यू बची ये आपकी क्या कहलाएगी, सीएम की वैल्यू पूछेगी। और आपको पता है आपको किस टर्म में पूछा है, आर की टर्म में पूछा है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आर की टर्म में हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो दैट्स इंपोर्टेंट। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का, बहुत ही इजी था, केवल आपको सीवी की वैल्यू ये सब आप पता कर सकते हैं मोनोटोमिक डायटोमिक गैस के लिए आइडियल की। सेकंड थिंग, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला मोलर हीट कैपेसिटी के साथ में क्या रिलेशनशिप देता है, वो आपको पता होना चाहिए, आप इजी गोइंग ये कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज मैंने बताया साइन नोटेशन के साथ में, आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कि भैया यहां पर आपके क्यू की वैल्यू क्या है और कितनी लेनी है आपको। यूनिट कन्वर्जन का भी यहां पर गेम था, यहां पर आपको केलोरी में देखे थे जिसको आपने जूल में कन्वर्ट किया। इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन निकला। और क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन जो होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहां तक मेरी बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बने रहिएगा सर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। बहुत बच्चों ने यहां पर इसका रॉन्ग आंसर दिया था, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि साइक्लिक रूल क्या कहता है, उस फंडे के हिसाब से वो कर गए, लेकिन कंसेप्ट नहीं देखा कि वो किस फॉर्मेट में दे रखा है। चलिए मैं डिस्कस करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बार यहां से सवाल बनता ही है। चलिए क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है साइक्लिक रूल का, पूछा है कि आइडियल गैस के लिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, कुछ बातें बता देता हूं, उनको नोट करिएगा कि आप एक चीज को ध्यान दें, साइक्लिक रूल जो होता है ना आपका, साइक्लिक रूल उसमें कुछ चीजें हैं काम की। क्या है कि आपने जैसे एक एग्जांपल में लिया PV इज इक्वल टू RT,
चलिए आपने पी वी इज इक्वल टू आर टी, कौन कौन सा वेरिएबल है यहां पर, पी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, तो इन तीनों को काम में लेते हुए आप साइक्लिक लूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आपको ध्यान देना है पी वी टी और फिर आप इसको कर दीजिए, ये रोटेशन आपको साइक्लिक लूप में ध्यान देना है। कैसे देखो समझो, जैसे मैंने पहले लिया डेल पी ऊपर लिया तो नीचे क्या आ जाएगा डेल वी, बचा कौन वेरिएबल टी तो वो इसके यहां पर आ जाएगा, नेक्स्ट में आपको वी को ऊपर ले लिया तो डेल वी, फिर बचा कौन ये टी तो डेल टी नीचे आ जाएगा और लास्ट में जो है वो पी आपके इधर आ जाएगा, फिर क्या है आपका डेल टी तो डेल टी डिवाइडेड बाई पी तो डेल पी और यहां पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा वी। ये यदि ऐसा होता है ऐसी सिचुएशन में आपका रिजल्टेंट आएगा माइनस वन, ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर क्या निकल के आएगा माइनस वन। अब इसमें क्या चीज है पहचान करने की, ये देखो आप कि जो आपको नीचे वेरिएबल ये जो दिखा रखे हैं तीनों के तीनों, तो ये तीनों आपके डिफरेंट है और जितने वेरिएबल थे वो तीनों के तीनों काम आए। देखो टी भी काम आ गया, पी भी काम आ गया, वी भी काम आ गया, ऊपर वाले डाटा में देखो, इससे ऊपर वाले डाटा में देखो पी भी काम में आ गया, वी भी काम में आ गया, टी भी काम में आ गया, इससे नीचे वाले डाटा में देखो वी भी काम आ गया, टी भी काम आ गया, पी भी काम में आ गया। तो इस वाले प्रकार के, इस प्रकार के साइक्लिक रूल के अंदर आपका कंसेप्ट क्या लगता है माइनस वन इज द करेक्ट आंसर। तो सब लोगों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या लगा दिया माइनस वन लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ऐसा नहीं था। आप चेक करो इसमें उसमें कितना डिफरेंस है, यहां पर देखो आप देखोगे तो यहां पर पी वी टी आपको नीचे मिल रहा है बिल्कुल नो डाउट, आप यहां पर देखो तो पी वी पी मिल रहा है, पी वी टी नहीं मिल रहा आपको, तीनों वेरिएबल ऊपर की तरफ भी नहीं है, तीनों वेरिएबल नीचे की तरफ भी नहीं है, वो ऐसा कॉम्बिनेशन यहां है तब आपका माइनस वन आएगा, ये साइक्लिक रूल कहता है माइनस वन का। लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर किस प्रकार से सोल्व करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब उसको कैसे सोल्व करूंगा वो मैं आपको बताता हूं बहुत ही शानदार ट्रिक से, दिमाग में हमेशा उसको रखना, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए क्या आपको ट्रिक यूज में लेनी है, क्लियर है मेरी बात यहां पर। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था, बेसिक फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले आपने वो चीज यहां पर देखी। अब मैं इस चीज को काम में लेते हुए आपके सामने एक्सप्रेशन निकालता हूं, क्या उसका रिजल्ट आता है उसको हम यहां पर क्रॉस चेक करेंगे। चलिए देखिए मेरी बात, पहला यहां पर क्या है डेल पी बाय डेल टी, चलिए क्या है आपका डेल पी बाय डेल टी का वी कॉन्स्टेंट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इसका मतलब ये आइडियल केस इक्वेशन को काम में लिए तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर टी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका आर टी, तो आपको क्या दिया है पी वाई टी, क्या दिया है पी वाई टी, इसका मतलब पी वाई टी कर दू तो पी के नीचे यदि मैं टी को लेकर आता हूं तो मेरे इस तरफ वाले डाटा में क्या बचेगा, एक तो आर बचेगा और वी भी इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा आपका वी। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, मैंने कहा यदि आपको पी वी टी टर्म में निकालना है, किस टर्म में निकालना है पी वाई बी, क्योंकि आपको पी वाई टी टर्म में दिया है तो पी वाई टी की टर्म में निकालोगे तो जो रेस्ट जो बचेगा इस इक्वेशन में वो क्या है आपका आर बाई वी, तो यहां पर एक हो गया आर बाई वी, क्लियर है। सेम चीज इसका मतलब आप इसके लिए ले सकते हैं क्या आर बाई वी, सेकेंड आपका है डेल वी बाई डेल टी एट द कॉन्स्टेंट पी, क्या है डेल v by del t। चलिए अब देखते हैं इसी से बनाते हैं आप इसको भी, देखो p v बराबर r t होता है, आपसे v by t पूछा है, इसका मतलब v by t, इसमें v को मैं ऊपर लेके t को नीचे रखू तो इस इक्वेशन में इधर वाला पोर्शन क्या बचेगा आपका r डिवाइडेड by p, क्या बचेगा आपका r डिवाइडेड by t, आप इसको इधर लेके आओ किसको p को और यहां से आप टी को इसके नीचे ले जाओगे तो आपका ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, इसका मतलब v बाई टी की जगह, v बाई टी की जगह आप r बाई टी काम में लेंगे, क्या लेंगे r बाई टी काम में लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आपका दे रखा है डेल p बाई डेल v एट द कॉन्स्टेंट t, चलिए इसका भी निकालते हैं क्या कहता है फॉर्मूला। आपको पता है कि कौन सी इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बराबर आर टी, और आपको पी वाई वी पूछा है, पी वाई वी मतलब आप सिंपल तरीके से आप पी वाई वी नहीं बना सकते क्योंकि पी वी इधर है वी भी इधर है। अब यहां पर इश्यू आ गया साहब क्या किया जाए,
तो देखो मैं आपको बता दूं, ऐसी वाली ट्रम में हो तो आपको कुछ नहीं करना, पी के नीचे वी को तो ले जाइए आप, लेकिन यहां जो डाटा है आरटी, इसके नीचे भी आप जब वी लेके आएंगे, इसके नीचे भी आप वी ही लेके आएंगे, लेकिन किसमें, स्क्वायर के साथ में नेगेटिव साइन, स्क्वायर करेंगे उसके साथ में नेगेटिव साइन। यदि यही चीज आपको v बाई पी पूछता तो v बाई पी लिख देते और rt के नीचे आप क्या लेके आते, p स्क्वायर लेके आते, यहां पर नेगेटिव साइन लेके आ जाते। क्या मेरी चीज एक्सप्रेशन में समझ में आ रही है, करके बता देता हूं। सोचो आपको क्या दिया होता है, यहां पर v बाई पी दिया होता तो क्या करना था आपको, कि यहां पर rt लेना था और यहां पर नेगेटिव करना था, क्योंकि आपको सेम तरह की दोनों चीज दे रखी है, तो आपको क्या करना था, नेगेटिव साइन के साथ में पी स्क्वायर कर देना था। तो इस प्रकार से हम करते, कब जब आपको v बाई पी पूछा गया आपसे p बाई वी, तो p बाई वी का एक्सप्रेशन आएगा ये वाला। क्लियर है यहां तक मेरी बात, यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? तो इसके लिए आपका एक्सप्रेशन हो गया माइनस r बाई टी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तीनों के तीनों हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। सेकेंड चीज आपको मैं एक चीज बता दू आपको क्या है, वो ये है कि ये आरटी की जगह हम पीवी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आरटी की जगह हम पीवी ले सकते हैं, इक्वल है। तो आपको ध्यान देना, यदि जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे यहां पर पीवी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर आर, पीवी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ, तो ये भी इसका एक्सप्रेशन है। चलिए अब इन तीनों को मल्टीप्लाई फॉर्मेट में है साइक्लिक में, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला है आपका आर डिवाइडेड बाई वी इंटू आर डिवाइडेड बाई पी इंटू माइनस RT डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। यदि RT डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे तो आपको ऐसा T टर्म में कोई सा भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं यहां पर इस RT को हटाकर और RT की जगह मैं क्या ले लू, PV ले सकता हूं, क्योंकि ये इसके इक्वल है, इतना आपको दिमाग रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये लेंगे तो आप देखो सिंपल हो गया आपका, यहां से ये PV, यहां से ये PV कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल हुआ आपका रिजल्टेंट क्या गया, माइनस R इंटू आर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो आपका इस कंप्लीट साइक्लिक रूल का अकॉर्डिंग जो आपका एक्सप्रेशन दे रखा था, इसका रिजल्टेंट क्या रहा है, माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इट मीन आपका करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहां पर करेक्ट आंसर है। क्या यहां पर मेरी बात समझ में आई कि साइक्लिक रूल का कंसेप्ट आपको किस प्रकार से यूज में लेना था? यदि ये आपको आता है तो आप इजीली कर जाएंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत इजी कंसेप्ट था, बहुत इजीली आपको पता है। माइनस वन वाला कब लेना है वो भी मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे जितने वेरिएबल है सबका एक एक बार नंबर आना जरूरी है। यदि सबका नंबर एक एक बार आ चुका है ऊपर नीचे कॉन्स्टेंट में, इसका मतलब आपको माइनस वन काम में लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी एक वेरिएबल दो बार आ चुका, इट मीन आपको फिर इस फंडामेंटल कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट को काम में लेके कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लिक रूल पर सवाल बन सकता है आने वाले समय में, तो आपको इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन जो आपको दिया था क्विज में, उसको इस प्रकार से सॉल्व करना था, क्योंकि बहुत बच्चों ने उसका आंसर माइनस वन टिका दिया, तो बहुत फुर्ती से काम किया था। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है, आदत क्या हैबिट क्या बोल रही है कि भैया इसको है माइनस वन, साइक्लिक रूल माइनस वन, साइक्लिक रूल माइनस वन, दिमाग में यह बना हुआ नहीं, आपको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस फॉर्मेट में आपको दिया गया। क्लियर है? तो इसका समझ में आ गया आपको किस प्रकार से हमने सोल्व किया, इसलिए मैं बोल रहा था क्विज़ कि आपको सभी क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एग्जाम बूटर के अंदर। तो अब मैं डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एंड लास्ट क्वेश्चन फोर। एन आइडियल गेस द एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज 1.5, कैलकुलेट सीवी एंड सीपी फॉर द गैस रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? इस यूनिट में आपको फाइंड आउट करना है सीवी और सीपी की वैल्यू, और आपको क्या दे रखा है, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5। तो पहले आपको समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बहुत अटपटा क्वेश्चन लग रहा है सबको, कईयों ने आंसर रॉन्ग दिया इसका। अब देखना इसको किस प्रकार से हम सेकेंड में सोल्व करते हैं, क्या था बस ये पहचान करनी। जैसे ही एडियाबेटिक एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं तो आपको समझना है, मैंने क्या कहा था, केवल लैंग्वेज घुमाए क्वेश्चंस के अंदर और कुछ नहीं बचा उनके पास। तो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट का मतलब होता है आपका गामा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपी डिवाइडेड बाई सीवी, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1.5। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन समझ में आ गई होगी आपको बात।
यदि गामा आपको पता में आ गया कि गामा पूछा है, गामा आपको पता है सीपी डिवाइडेड बाय सीबी होता है, एडियाबेटिक का कंसेप्ट लग रहा है, रिवर्सिबल में आपको पता है, तो 1.5 दे रखा है। इट मींस आपको क्या करना है, सीपी और सीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेस्पेक्टिवली सीबी और सीपी की। तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए को देखो आप, ऑप्शन ए क्या कहता है कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है सीपी डिवाइडेड बाय सीबी, और आपको सीपी बाद में दिया है रेस्पेक्टिवली, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलत आंसर टिक कर देंगे। तो सीपी बाद में है, तो सीपी मतलब 6 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 1.5। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, क्या कहता है आपको गामा, गामा इज इक्वल टू सीपी डिवाइडेड बाय सीबी, सीपी कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है आपका, ध्यान से देखिए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे हम। गामा, गामा इज इक्वल टू सीबी और सीपी दे रखा है आपको, सीबी कितना है 6 सीपी 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे आप 0.6 के अप्रोक्स आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, गामा इज इक्वल टू क्या बोलता है CP2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0.5। तो चार ऑप्शन के आंसर आपने निकाल लिए हैं, इसी को हम गामा कहते हैं। गामा किसमें आपका मैच कर रहा है, केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर सेंस कर रहा है। इसका मतलब सीपी और सीबी का डाटा जो दिया है उसके लिए आपको सीबी का डाटा होगा 4 और सीपी का डाटा होगा 6। क्या मेरी बात क्लियर आगे समझ में, तो बस इतना सा क्वेश्चन था, वैसे आपको समझना था चुटकी से कि आपको कैसे सोल्व करना है। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट इज मींस गामा, और गामा इज इक्वल टू सीपी डिवाइडेड बाय सीबी, दैट्स इट। इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक, यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है मुझे आप बता दीजिए। पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्लियर है मेरी बात। तो हमने यहां पर ये पांचों क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 6 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बस आपको पहचान करनी थी क्वेश्चन में, थोड़ा सा वो लैंग्वेज में फेरबदल किया उसने, लैंग्वेज को घुमा करके आपसे पूछा, तो आप थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूज हो गए। वही गेम करेगा एग्जाम सेंटर पे, ऊपर भी आपको क्वेश्चन में इतना ही वो ट्विस्ट डालेगा ताकि आप स्लाइटली उसमें गड़बड़ कर दे। सेकंड चीज, गलती क्या करेगा कि आपको आदत किस चीज की, हैबिट सीबी और सीपी की, नहीं सीपी और सीबी की आदत है, तो आपको लेगा पहला डाटा सीपी का है, तो आप 4 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो ऑप्शन आप इसके हिसाब से लेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा जो कि रोंग है। तो आपको ध्यान देना है, इसमें सीबी और सीपी को बोलते हैं यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का साइन यूज किया है, दैट्स इंपोर्टेंट, रेस्पेक्टिवली वेरी 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 इंपोर्टेंट। रेस्पेक्टिवली यदि आप गड़बड़ कर दी सम्मान देना, तो वही आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो इस चीज को मैं आपके सामने डिस्कस की, पांचों क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के इस एग्जाम बूस्टर के थ्रू डिस्कस की, फिर हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब भी हम यहाँ पर क्यूज आपके सामने, क्यूज में जो भी आपके फिजिकल के आते रहेंगे हम मन बाई मन वहां पर डिस्कस करते रहेंगे, क्वांटम है, काइनेटिक्स है, सरफेस है, पॉलीमर है, इलेक्ट्रो है, सबके क्वेश्चन देरी में सर आते रहेंगे और हम एग्जाम बूस्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।